आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, 8 बज चुके हैं और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं लेकर आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। और आज दोस्तों इस शो में हम पेश करेंगे खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट मोहतरमा माधुरी दीक्षित जी को, जो कि आज पूरे 50 साल की हो गई हैं। और हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी कोहोस्ट। आइए अब हम चलते हैं उनकी तरफ। नमस्कार, रेडियो डांस सुनने वाले सभी श्रोताओं का सरिता किम्पा का नमस्कार। कहिए सरिता जी, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज तो हमारे बेंगलोर में ओनली 23 डिग्री है, फिर भी यहाँ पे बहुत गर्मी चल रही है। आज कुछ इन्वायरमेंट ठीक नहीं लग रहा है। कितना बताया आपने टेम्परेचर? 23 डिग्री। जानती हैं यहाँ पे इस वक्त कितना टेम्परेचर है दिल्ली में? 40 डिग्री, 39 to 40 डिग्री इज द टेम्परेचर इन दिल्ली राइट नाउ। ओह, मैंने तो सुना था दिल्ली तो बहुत कूल होता है कंपैरेटिवली बेंगलुरु सिटी। जी नहीं, इस वक्त भी दिल्ली का टेम्परेचर अराउंड 39 डिग्रीज है। और दूसरी बात मजे की है कि आज दिल्ली में स्ट्राइक रही बसेस की, यानी जो बसेस हैं ऑरेंज बसेस, जिसको एसटीए बसेस कहते हैं, क्लस्टर बसेस कहते हैं, वो बसेस नहीं चली। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए आइए हम सुनते हैं खूबसूरत कूल कूल कर देने वाला गीत माधुरी दीक्षित जी की एक्टिंग पर। और सरिता जी, आज माधुरी दीक्षित जी को मुबारकबाद नहीं देंगी उनके 50 साल के होने पर? जी हाँ, मेरी तो फेवरेट एक्ट्रेस है, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न फॉर माधुरी दीक्षित जी। हम भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं माधुरी जी को, काश कि हम भी आपका बर्थडे आज आपके साथ सेलिब्रेट कर पाते। खैर कोई बात नहीं, हम आपके साथ नहीं तो आपकी आवाज के साथ तो जरूर हैं। आइए सुनते हैं आपका खूबसूरत अदा किया हुआ ये गीत।
दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें, तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ।
हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे। बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना, आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम टू द शो लिसनर्स। हमारे साथ है आज बहुत ही ग्रेट हस्ती जुड़े हैं, जिनका नाम सुनते ही सबको पता चल जाएगा हमारे साथ कौन है। नमस्ते राजीव जी। नमस्कार सरिता जी, और नमस्कार सैफ साहब, और सभी सुनने वालों को राजीव भामरी का नमस्कार। तो राजीव जी बताइए क्या चल रहा है आज दिल्ली में। वैसे तो बताया सैफ सर ने कि बहुत गर्मी चल रही है और 39 या 40 डिग्री चल रही है दिल्ली में। जी हाँ, यही बात है जी। मौसम बहुत अपने गर्मी के बरसा रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी बरस रही है, दिल्ली नॉर्थ नहीं है। जी भैया, नॉर्थ में ही नहीं, ओनली साउथ में भी बहुत गर्मी चल रही है। यहाँ पे तो ओनली 23 डिग्री है, फिर भी बहुत गर्मी चल रही है। तो बताइए भैया, आज आप क्या सुनना चाहेंगे? जी आज जो है बॉलीवुड की बहुत महान हस्ती का जन्मदिन है, और हम जो है माधुरी दीक्षित जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहते हैं अपनी तरफ से। और उन्होंने 1984 से, जबकि उनकी पहली मूवी आई थी अबोध, तब से लेकर आज तक उन्होंने काफी लोगों को एंटरटेन किया है। तो मैं यही आशा करूंगा कि आने वाले टाइम में भी वो शी कंटिन्यूज टू एंटरटेन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आमीन। तो आप बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे आप? जी आज मैं उन्हीं की एक मूवी का सॉन्ग सुनना चाहूंगा। यश चोपड़ा ने बनाई थी ये मूवी, दिल तो पागल है जी। शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित थे, तो उन्हीं पे फिल्माए एक गाना मैं सुनना चाहूंगा, कोई लड़की है जब वो हंसती है। वाह, बहुत ही अच्छा। क्या बात है, सब वंडरफुल। इसीलिए हम आपको कहते हैं बैकबोन रेडियो उड़ान। योर कमांड इज आवर ड्यूटी राजीव भाई। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए पेश है आपकी पसंदीदा, आपका पसंदीदा ये गीत। धन्यवाद। लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा
आगे है बरसात पीछे है तूफान मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़का कुछ रुका रुका सा है छाया समा कितना प्यारा सावन का समझो इशारा ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो तुम भी कुछ करो खड़ी हो क्यों गुमसुम होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम टावल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं यार तू भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ शिट ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा लाइट चली गई है उफ अब मैं कैसे पढ़ूं काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ दोस्तों एक बार फिर से हम आपका
खैर मकदम करते हैं इस शो में अंदाज अपना अपना, जिसका नाम है और टेम्परेचर आप जानते हैं बहुत ज्यादा है दिल्ली का। आयुष समझिए कि इस वक्त हम बैठे हैं लेकिन हमें लगता है कि अगर हम नहाने के बारे में सोचें तो साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं, पसीने से इस कदर हम तरसराबोर हो रहे हैं कि यूं समझिए कि आसपास का माहौल पानी पानी हो गया है और गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि हम जबान से अल्फाज चिपक रहे हैं, यूं समझिए कि वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि पानी की कमी है। वहाँ पसीना ज़रूर है लेकिन नमी बरकरार है, जबान सूख गई है, हलक सूख गया है, बार बार हम पानी पी पी कर आपसे बात कर रहे हैं। लोग पानी पी पी कर लड़ते हैं, कोसते हैं, लेकिन आपसे हम आज मोहब्बत कर रहे हैं पानी पी पी कर। हमारे साथ इस वक्त पानी पी जुड़े हुए हैं आकिब साहब, आरजे आकिब, जिनका शो अभी अभी आपने 7 बजे से सुना है। और आकिब आपका खैर मकदम है शो में, जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। थैंक यू वेरी मच साहब सर, और रेडियो उड़ान के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, और पहले माधुरी दीक्षित जी को मेरी तरफ से उनके जन्मदिन पे हार्दिक बधाइयां। और यहाँ पे एक और बात, मैंने आज रेडियो उड़ान पे अपना डेब्यू किया है, तो जितने भी रेडियो उड़ान, जो भी टीम है रेडियो उड़ान की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा यहाँ पे कि उन्होंने मुझे इस अपनी टीम में शामिल होने का मौका दिया। तो फिर से मैं एक बार रेडियो उड़ान की टीम का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूंगा सर। और हम भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको, आपने बहुत ही कामयाब शो किया और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्तों में भी आप अपने हर शो को इसी तरह कामयाब शो बनाकर पेश करते रहेंगे। जी तो ये बताइए, जी जी ये बताइए, ये बताइए जी, हो सके मेरी से उतना से उतनी सेवा कर सकूं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ये बताइए कि हम आज आपकी खिदमत में आपकी तरफ से कौन सा मोहब्बत भरा फूल माधुरी दीक्षित जी को पेश करें। जी सर, जैसा कि माधुरी दीक्षित जी का आज जन्मदिन है तो उनकी ही मूवी से गाना है, देवदास मूवी से मार डाला, मैं सुनना चाहूंगा सर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, बहुत खूबसूरत गीत है। आइए आके हम आपकी तरफ से ये खूबसूरत फूल नजर करते हैं माधुरी दीक्षित साहिबा के कदमों में। थैंक यू वेरी मच सर।
in this world of negativity and worries. Now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat. Every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. दोस्तों एक बार फिर से हम आपका खैर मकदम करते हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आरजे वरुण, जो आज लिसनर की हैसियत से हमारे साथ इस वक्त हमारे शो में मौजूद हैं. वरुण, खैर मकदम है आपका अंदाज अपना अपना में. बहुत बहुत शुक्रिया सैफ सर, और मैं आया हूँ आपके शो में, जैसे कि हर बार आती हूँ आपके शो में, और मुझे अच्छा लगता है अंदाज अपना अपना, और अपना शो भी प्रमोट करने के लिए मैं आता हूँ. जैसे कि मुझे आप सुनेंगे रात को 10 बजे लेट्स प्ले 2020, एक और इजी एपिसोड होगा सभी लिसनर्स के लिए, और आरजे नरेश आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और आप हमारे साथ खेलिए और मजा भी आएगा खेलने का आपको भी और हमें खिलाने का भी. तो ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेशन कीजिए और हमारे साथ शो के जीनियस बनिए जी. तो ये बताइए कि आज के शो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सैफ सर, मैं तो सुनूंगा तो सही गाना, साथ में आज एक लिसनर को भी मैं लेकर के आऊंगा थोड़ी देर में मेरे गाने के बाद, जैसे कि आपको पता ही है. और दूसरा ये कि आज मैं गाना सुनूंगा रामलखन पिक्चर से है, लता जी का गाया हुआ है और नट भैरव राग में है. क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत राग. नट भैरव पर आधारित कौन सा वो गीत है? बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गीत है, और इसकी कंपोजिशन भी और इसका लिरिक भी बड़ा खूबसूरत है. तो आइए वक्त न गंवाते हुए हम ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और आपका मुकद्दस मोहब्बत भरा फूल पेश करते हैं हम माधुरी जी के 50वें बर्थडे पर. बड़ा दुख दीना
कुछ छीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना, तेरे लखन का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शामे गजल के तमाम सामईन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा आलीशान मकाम दिया। पिछले चंद सालों में इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शामे गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ, आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शामे गजल आरजे सैफ के साथ ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ा। क्या है निकल पड़े हो। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं एक नए लिसनर जो हैं सुदाम जी। सुदाम जी आपका खैर मकदम है शामे अंदाज अपना अपना की इस महफिल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, और आज मैं संगीत फिल्म का गाना सुना टाइटल सॉन्ग। ये बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है? बहुत ही लाजवाब और वंडरफुल, और क्या कह सकता हूँ। तो जो गीत आप सुनना जी जी शब्द नहीं है बयां करने, जो गीत आप सुनना चाहेंगे आप बताएं, और वो गीत क्यों सुनना चाहते हैं? ऐसे ही बस माधुरी दीक्षित जी का आज जन्मदिन है,
तो इनके लिए अच्छा सॉन्ग होना चाहिए, तो खैर मैंने सोचा कि संगीत मूवी का ही क्यों ना सुना जाए टाइटल सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम पेश करते हैं आपके लिए गीत। इसके अतिरिक्त आप कुछ श्रोताओं से कहना चाहेंगे? जी जरूर जरूर, श्रोताओं से भी और सभी आर्य लोगों को भी कहना चाहूंगा। पहले तो आर्य लोगों को कहना चाहूंगा जी, सभी लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे मतलब अपना योगदान दे रहे हैं अपने वर्क में, पूरा जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है शो सुनने में भी, और आपको आपको सलाम करूंगा कि आप इतना काम। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका, सुदाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए पेश करते हैं हम आपका पसंदीदा ये गीत। कैसा रहा? तेरे प्यार का सुर लेकर
नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radiouran.com। हैप्पी लिसनिंग। आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं बहुत से लोग और दोस्तों हमारे साथ इस वक्त सरिता जी भी हैं जो कि सबकी फरमाइशें लेकर आ रही हैं। सरिता जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप आज के शो में क्या सुनना चाहेंगे। जी वैसे तो माधुरी दीक्षित जी के सारे गाने मेरे फेवरेट है, तो जो भी गाना चल रहा है वो भी फेवरेट ही है। और आज मुझे इतना प्यारा सा गाना याद आ रहा है जो मृत्युदंड मूवी का है, उसमें जैसे वो मतलब अपने हस्बैंड का बदला लेती है, जिस तरह से एक भारतीय स्त्री होने का रोल निभाती है, उस मूवी का गाना है। तो गाने के बोल है, कह दो एक बार सजना इतना क्यों प्यार सजना, मुझे वो वाला गाना सुनना है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश का। हम पेश करते हैं आपका गीत।
आप सुन रहे हैं अंदाज अपना अपना आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा है, लेकिन जाते जाते हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हुए, हम चाहेंगे कि उनसे कि वो कम से कम शब्दों में अपनी फरमाइश पेश करें। यह है कुणाल जी। कुणाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए कि आज माधुरी दीक्षित जी के लिए बर्थडे पर आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सर, मैं उनका सबसे जो अभी तक का सबसे पसंदीदा गाना चला है 2009 की पिक्चर से, जिसका नाम है आजा नचले, मैं उसका सर एक टाइटल ट्रैक मेरी फरमाइश में है, वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो हम आपकी खिदमत में ये जरूर पेश करेंगे, लेकिन अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस शो में आप तमाम लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और हम दोनों, यानी हम आरजे सैफ और मैं आरजे सरिता, आप दोनों से इस शो से विदा लेते हैं कुणाल जी के इस खूबसूरत गीत के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। अगला शो बोलती तस्वीरें बिल्कुल तैयार है, हर तस्वीर बोलने के लिए, आप उसे सुनते रहिए। गुड नाइट, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, चौकीदार था बरेली के बाजार में, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई, मुझको लुटा के नच ले, आजा नच ले नच ले मेरे यार तू नच ले, झनक झनक झनकार हो नच ले नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटा है बाजा सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले, झनक झनक झनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटा है बाजा। मैं तो कम सुनकर
चले